हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट, वो भी ओट्स से बना रही हूँ, क्योंकि ये भी एक हेडेक है ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या बनाएं, क्या दे बच्चों को या हम खुद भी क्या खाएं ऐसा जो हेल्दी है। तो क्योंकि जो ओट्स है, ओट्स का जो मिल्क में हम लोग बना के बॉईल करके खाते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, लेकिन वो भी कितना खाएं, वो एकदम हम लोग बोर हो जाते हैं, वही एक दो आइटम रोज बना बना के। तो आज मैंने सोचा कि चलो ओट्स के ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट भी बन जाएंगे और साथ में ओट्स भी हम खा लेंगे। तो ओट्स के ऑमलेट बनाई थी, तो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी मैं। और ये है प्याज, मैंने काट लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और दो तीन मैंने हरी मिर्च लिया है, वो भी बारीक काट ली हूँ। और दो अंडे ले रही हूँ मैं साथ में, और ये ले रही हूँ दो चम्मच ओट्स ले रही हूँ मैं, और ये मैंने एक टमाटर वो भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी। इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, अब तवा गरम हो चुके हैं, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड में सरसों का तेल ही डालती हूँ ज़्यादातर, और ये ऑमलेट भी मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। तो सरसों के तेल मैंने थोड़ा सा ले लिया है, और यहाँ पे मैंने ऑमलेट का जो मिक्सचर था वो डाल लिया, और इसको मैं फैला रही हूँ अच्छे से। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, सुबह आप जैसे कुछ हड़बड़ी हो, लेकिन हमें हेल्दी भी खाना है, तो आप ये बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते, खूब 5 मिनट में आपका ये ऑमलेट एकदम रेडी हो जाएंगे। लेकिन आप अच्छे से देख लीजिएगा नीचे से ये कुक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन जैसे ही पलटेंगे नहीं तो टूट जाने का डर रहते हैं। तो ये नीचे से मेरा कुक हो गए थे, 2-3 मिनट लगते हैं जो नीचे से अच्छे से कुक हो जाते हैं। और फिर मैंने इसको पलट दिया है, और अभी हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए ऑमलेट बिल्कुल रेडी है, और ये मेरा ओट्स वाला ऑमलेट एकदम रेडी। और अभी मैं इसको सर्व करूँगी, थोड़ी सी सॉस लिया है मैंने, टोमेटो सॉस लिया है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मेयोनीज ले रही हूँ। मेयोनीज टोमेटो सॉस के साथ ये ऑमलेट आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं।